हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असूस पैराडाइज। आज मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। क्या बन रहा है, आओ दिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा। ये नहीं प्यारे, कोई मामूली बंदा इसमें छुपा के। ये देखो, ये हमने लिया 10 अंडे, 2 बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर का दुकस करके, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हल्दी। अब हम शुरुआत करते हैं अंडे को। तेल हमारा गरम है, अंडे को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बट अंडे को ऐसे ही नहीं डालेंगे। ये हमारे पास है टूथपिक। अंडे को पहले छोटे छोटे छेद करेंगे, फिर उसमें डालेंगे तेल में फ्राई करने के लिए। उसके पहले हम लोग जो है नमक डाल लेते हैं, बिकॉज उससे क्या है अंडे नीचे चिपकेंगे नहीं। ठीक है, ये देखो, ये गया नमक। आप ये अंडे पड़ रहे हैं इसके अंदर, आंच आप धीमी रखें, नहीं तो एकदम स्प्लटर हो जाएंगे। अंडे थोड़े थोड़े फ्राई कर लें। ठीक है, ये गए अंडे। अंडे अंडा 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 अंडा, अंडा। आप सोच रहे होंगे मैं अंडों को छेद क्यों कर रही हूँ। छेद इसलिए करते हैं बिकॉज अंडे का जो छेद के अंदर जब हम उसको फ्राई करते हैं ना, अच्छे से ऑयल चला जाता है अंदर, और साथ के साथ जब हम फिर इसको ग्रेवी में डालेंगे और बॉईल करेंगे तो, और जब आप अंडा खोलेंगे उसके अंदर तक पूरा जो है ग्रेवी चला जाएगा। अंडे हो रहे हैं धीरे धीरे फ्राई। ये देखिए, ब्राउन ब्राउन जिस साइड से हो गया वो टर्न कर लीजिए। मैंने लगभग लिए हैं 10 अंडे। अंडे आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, 12, 15, 4, 5, जितना आपका मन करे। अंडे खाने का फायदे भी बहुत है यार, वेजिटेरियंस के लिए है स्पेशली, जो बेचारे नॉनवेज नहीं खाते। अब सब्जी तो मैंने दिखा दी, चिकन भी दिखा दिया। जब तक हमारे अंडे फ्राई हो जाते हैं, आंच मैंने इसको धीमी नहीं करी है और ना ही ज्यादा तेज रखी है, थोड़ा मीडियम पे रखें, और जो जो पूरा पूरा ब्राउन होता जाएगा वो साथ साथ निकाल दें। सो मुझे ये बोलना था आपको कि ये देखो, साथ के साथ मैं अंडे निकाल रही हूँ। सब तरफ से ये ब्राउन हो जाने चाहिए, ये नहीं कि एक तरफ से ही है। आंच थोड़ा मीडियम पे ही रखें। अंडे जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, इससे हमको प्रोटीन मिलता है। बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, उनके ग्रोथ टाइम में बहुत ही जरूरी है। एग्स आप बॉईल करके दें अपने बच्चों को, ऑमलेट्स बना के दें, आप उनको सैंडविचेस बना के दें, कैसे भी दें, अंडे बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो हमने एग सारे निकाल दिए हैं, ये अच्छे से हमारे सब जगह से फ्राई हो गए हैं। ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, बस इसको शैलो फ्राई, थोड़ा लाइट ब्राउन टाइप। अब एक्सेस ऑयल हमने निकाल दिया है, इसमें डालेंगे हमारे प्याज, कटे हुए प्याज। प्याज ये डिश जो है आप कभी भी, जो भी, जब भी आपको नॉन वेजिटेरियंस वालों के लिए, जब भी उनको मन करे कि उनको चिकन नहीं मिल रहा है और उनको एग खाना है, तो एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर नॉन वेजिटेरियंस, इंस्टेड ऑफ चिकन आप अंडा बना सकते हैं। इसको कश्मीरी में जम्बूर ठूल भी बोलते हैं, इसको आप अंडा मसाला भी बोल सकते हैं हिंदी में, या एग मसाला, जो भी है। आजकल के बच्चे तो अंडा नहीं, बहुत कम बोलते हैं, एग मसाला ही सही। तो हमारे प्याज हो रहे हैं फ्राई। आंच मैंने गैस की थोड़ी तेज कर दी है, जल्दी जो है हमारे प्याज, नमक हमने पहले ही डाल दिया था थोड़ा सा जब हम अंडे फ्राई कर रहे थे, तो इसलिए अभी हमने प्याज के टाइम पे नहीं डाला है नमक, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा नमक हो जाएगा प्याज। नमक से क्या है कि प्याज जो है जल्दी पक जाते हैं, इसको फुल पे ही रखें। एक टिप है, जब आप अंडों को बॉईल कर रहे हो तो साथ के साथ उसमें कम से कम आधा चम्मच जो है आपका नमक डाल दें। उससे क्या होता है कि अंडे की शेल जो है वो फूटती नहीं और आपके अंडे अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम लोग एग्स डाल देते हैं बॉईल करने के लिए और फिर हम देखते हैं अरे यार 2-3 अंडे तो इसमें फूट गए। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा नमक डाल दें बॉइलिंग करने के टाइम पे, तो फिर वो अंडे फूटते नहीं है और शेल भी आराम से उतरते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे प्याज किधर पहुंचे।
पहुंचे चलते चलते, चलते चलते ही पहुंचते हैं। अभी हो रहे हैं, थोड़ा इनको ब्राउन होने देंगे। ये जो देखिए प्याज जो है हमारे हो गए ब्राउन, थोड़े ज्यादा ब्राउन, थोड़े ज्यादा ब्राउन ही होने चाहिए, इट इज बेटर ऑलवेज। तो पूरे गल गए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, करीब आधा चम्मच, करीब आधा चम्मच। और ये देखिए मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटो, कद्दूकस किया हुआ टमाटर। हाँ ये अब आपस में जो है लड़ाई कर ले जितनी मर्जी, हमारी तो बन रही है रेसिपी, उनको लड़ाई करने दो। टमाटर प्याज को, हमारे टमाटर भुन रहे हैं अच्छे से, हो रहे हैं भुन भुना टमाटर। 3 मिनट के लिए इसको ढक के रखें ताकि ऑयल जो है साइड से आ जाए। आंच हल्की सी धीमी करें, ज्यादा धीमी ना करें। और हमारे 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोल के देख लें, आंच थोड़ी धीमी कर लें। ये देखिए साइड से जो है ऑयल निकल के आया है, इसका मतलब है हमारे टमाटर पक चुके हैं। थोड़ा तेज कर देती हूँ मैं गैस को। ये देखिए इसको पका लेते हैं, थोड़ा तेज आंच पे थोड़ा अच्छे से ऑयल बाहर आ जाएगा। ये दोस्ती, प्याज टमाटर की बड़ी दोस्ती होती है, हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये देखिए हेयर गोज द गरम मसाला, थोड़ी आंच धीमी कर लेते हैं नहीं तो मसाले जल जाएंगे यार। लाल मिर्ची पाउडर हल्का सा, नमक आधा चम्मच, पहले भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में अंडे फ्राई करने के टाइम पे नमक डाला था। ठीक है मिला लो सब मसालों को, सारे मसाले का खेल, फिर टमाटर का खेल, फिर प्याज का खेल, सबका खेल खेल ही है, खेल खेल में सब्जी हो जाती। अब हम इसमें डालेंगे, थोड़ा तेज कर देते हैं आंच। और ये देखिए मसाले भी पक गए हैं अच्छे से, पक खुशबू आ रही है, मसाले पक गए। ये गया इसमें पानी, ये गया है पानी, आंच तेज कर ले। ये देखिए मैंने लगभग इसमें जो है 1 ग्लास पानी भर के डाल दिया है, 1.5 ग्लास टाइप। ठीक है अब इसमें हम लोग डालेंगे ये फ्राई किए हुए अंडे, ये जाते हैं अंदर, अंडे डूब गए ग्रेवी में, डुबो दिए डुबो दिए। अब अंडे गए हमारे अंदर ग्रेवी के, इनको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक के रख दें। 10 मिनट हो गए गाइस, लेट्स सी हमारी जो जम्बू ठूल है अंडा करी कैसी हो गई। मस्त इसमें ऑयल देखिए साइड से हल्का हल्का आ गया है, ऊज आउट हो गया है। और ये देखिए ग्रेवी एकदम थिक हो गई है। ये जो है जम्बूर ठूल, एग मसाला करी बोलिए, एग मसाला बोलिए, इसमें जो है ये जो अनियंस दिख रहे हैं ना थोड़े थोड़े, ये दिखने से यही है जम्बूर ठूल की खासियत। सो गाइस हम अब खाएंगे जम्बूर ठूल, एग मसाला भी बोल सकते हैं इसको, जम्बूर ठूल इसको कश्मीरी में बोलते हैं। और प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी जो नई नई रेसिपीज है ना उसका ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूंगी यू विल गेट इट इन योर नोटिफिकेशन।
इफ यू लाइक माई रेसिपीज प्लीज लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट टेल मी इन द कॉमेंट्स हाउ डिड यू लाइक इट टिल देन सायोनारा.